हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज में हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 तक समाप्त किया था, ठीक है। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। तो क्वेश्चन नंबर 81 है क्या हमारे पास कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियाँ हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। देखो, मैं मान लेता हूँ कि कारखाने में कुल श्रमिक चाहे तो एक्स मानो चाहे 100% मानो, मैं मान लेता हूँ कि एक्स थे, यानी कि कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या एक्स है, ठीक है। उसने कहा है कि 60% ऐसे हैं जो 30+ हैं, यानी कि एक्स का 60% ऐसे हैं जो 30+ हैं, ठीक है ना भाई। एक्स तो श्रमिक थे, एक्स का 60% ऐसे हैं जो 30+ हैं। उसके बाद कहा है कि ये जो हैं इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, ठीक है। उसने कहा है कि और उसमें 75% पुरुष हैं, ठीक है, ठीक है, तो शेष स्त्रियां हैं, ठीक है। यानी कि इस एक्स के 60% में 75% क्या है पुरुष हैं और 25% क्या है स्त्रियां हैं। और उसने कहा है कि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1350 है, यानी कि इसका जो 75% है, यानी कि इसका जो 3/4 है, चाहे 3/4 लिखो चाहे 75% लिखो, वही जो है हमारे पास कितना है 1350 है। उसने ये कहा कि एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या एक्स है, माना एक्स है, ठीक है, उसमें 60% ऐसे हैं 30+ है और इसका 75% ऐसे हैं जो पुरुष हैं और जिनकी संख्या कितनी 1350 है। उसने यही बोला है, ठीक है ना। पूछा संख्या कितनी थी उनकी, बता दो। देखो काटो, 20 से कटेगा 3 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, ठीक है। 9 से काटो, 9 से कटे कितनी बार 15 बार, ठीक है। कितना हो गया x बराबर हो गया, यहाँ से x बराबर 5 × 20 और 20 की इसमें गुणाओं कितना हो जाएगा, यानी कि 150 × 20, यानी कि 15 × 30, यानी कि 3000, 15 × 30 यानी कि 3000। क्वेश्चन नंबर 81 समाप्त हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो क्वेश्चन नंबर 82 है क्या हमारे पास कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं। यानी दो संख्याएं हैं, यानी संख्याएं तीन हैं, 1, 2, 3, ये संख्या है, ठीक है। उसने कहा है तीन संख्याएं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 130 है और ये 140 है, मतलब इससे अधिक है तीसरी संख्या से, ठीक है। उसके बाद बोला यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का एक्स परसेंट हो। इसने ये पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या कितनी 130, दूसरी कितनी 140 इंटू x100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटो, 2 से कटेगा 50 बार, 2 से कटेगा 7 बार, कितना हो गया 13×5 65, यानी 650/7। जब इसको डिवाइड करेंगे इतना आएगा 7×9 63 और 7×2 14 बचेगा कितना 6 92 से ही 6/7%, 92 से ही 6/7%, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 92 से ही 6/7%, ठीक है ना। उसने ये पूछा था x प्रतिशत, तो x की वैल्यू बताओ, ठीक है ना, कितनी है 92.92 से ही 6/7%, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 84 क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है, यानी कि 80 का 120%, यानी 12×8=96, यानी कौन कितना आंसर हो गया 96। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो उसने कहा है वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, यानी कि 80 का कितने% पूछा है उसने, यानी कि 80 का 120% पूछा है उसने, तो 12×8 कितने होते हैं 96 होते हैं, तो 96 हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 83। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 बराबर 150, तो संख्या का 60% कितना है, ठीक है। देखो, यानी अगर संख्या x है, यानी कि अगर संख्या x है तो संख्या का कितना 3/7 का 2/3 का 3/5 कितना है 150, तो संख्या का 60% कितना है, ठीक है। देखो काटो उसको, तो 3 से 3 गया, 3 × 2 = 6 और 6 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा,
ठीक है, 7 × 5 = 35, यानी यहाँ बचा एक्स गुणा 1/35 बराबर 25। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 25 × 35, यानी जो संख्या है हमारे पास, संख्या कितनी है 25 × 35, गुणा करने पर संख्या भी आएगी, ठीक है। लेकिन उसने पूछा 60%, तो उसने पूछा इसका 60%, यानी कि 25 × 35 चाहे गुणा कर लो और चाहे कितना पूछा 60%, कितना पूछा 60% पूछा ना, हाँ 60%, 60% का मतलब 3/5, ठीक है, निकालो 5 × 7 = 35, कितना हो गया 5 × 7 = 35, 25 × 7 = 175 गुणा 3, गुणा कर दो 3 × 5 = 15, आंसर कितना लगा 1, और 70 × 51 = 52, कितना आंसर आ गया 525, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन था 84, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उसमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तो उसमें छोटी संख्या है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो उसने क्या कहा है, दो संख्याओं का योग 520 है, यानी कि ए प्लस बी कितना है हमारे पास 520, इसमें एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, किसी को बड़ा मानो किसी को छोटा मानो, ठीक है ना, किसी को बड़ा मानो किसी को छोटा मानो, ठीक है। तो उसने कहा है बड़ी संख्या 4% कम कर दी, यानी बड़ी संख्या मैं ये मानता हूँ ए को अगर 4% कम कर दिया, यानी कितने परसेंट हो गई 96%, फिर छोटी संख्या भी हो गई, जब मैंने ये संख्या को बड़ी मान लिया, तो उसने कहा कि छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया, यानी 112% कर दिया, कितना कर दिया 112%, और जब इसको 4% कम करा और इसको 12% बढ़ाया, ये संख्या क्या हो गई आपस में बराबर, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, ठीक है। अब काटते हैं इसको 8 से, कट जाएगा क्या 8 से कट जाएगा, कटो 8 × 8 और 8 × 2 = 16, इसको काटो 8 से, 8 × 8 = 3, 8 × 4 = 32, ठीक है। फिर 200 कट जाएगा, 200 × 14 2 × 6 = 12, ठीक है, कितना हो गया यहाँ से, हो गया 6a बराबर है 7b के, यानी कि यहाँ से a रेशियो b कितना आ गया, a रेशियो b आ गया 7:6, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 7 और b की वैल्यू कितनी है 6, और दोनों का योग कितना है 13, और 13 की वैल्यू दे कितनी रखी है 520, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, 1 की मत निकालो डायरेक्ट 6 की निकाल दो, तो 6 की वैल्यू पूछिए, 6 की वैल्यू कितनी हो गई 520/13 × 6, 13 × 4 = 52 और 4 × 6 = 24, कितना हो गया 240। उसने छोटी संख्या पूछी थी ना, छोटा क्या होगा 6 छोटा होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 85, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 है क्या कि यदि संख्या, यदि 120 संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% होगा, ठीक है। देखो यदि 120 जो है संख्या का कितना परसेंट है, 120 एक संख्या का 20% है, 120 एक संख्या का कितना परसेंट है 20% है, तो उस संख्या का 120% होगा, ठीक है। देखो उसने कहा है जो संख्या का 20% है वो कितना हमारे पास 120, कितना है 120, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि संख्या का 120% निकालना है तो कितना होगा, तो 120% कितना होगा 6 से गुणा कर तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, 120/20 × 120, बीच छंग 120 और 12 × 72 कितना हो गया 720। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 86, यानी किसी संख्या का 20% 120 है तो 120% कितना होगा 720 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 क्या है कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है तो वह संख्या है, ठीक है। यानी कि एक संख्या का 5% उसी एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, यानी कि एक संख्या का 13% जो है उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस है 8 का, यानी जो 8% की वैल्यू है वही तो मैं 16 दे रखी है, या फिर इसको ऐसा लिख लो, उसने कहा है ना कि 13% जो है
वो 5% से 16 ज़्यादा है, तो 5% में 16 जोड़ोगे तो ये बराबर हो जाएगा, और जब 5 को इधर लेके आओगे तो 8% ही बचेगा, ठीक है ना। यानी 16 जो दे रखा है, 13 और 5% का डिफरेंस दे रखा है, तो 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है उसने संख्या, तो 100% पूछा है तो 200 हो गई, ठीक है ना। 16/8 × 100 कितना हो गया, 8 × 2 = 16 कितना हो गया, यहाँ से 200, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। क्या है कि एक संख्या 10% कम कर दी गई 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो देखो, मतलब संख्या को जब 10% कम कर दिया, इसका मतलब संख्या कितनी हो गई, 90%। जब संख्या को 10% कम कर दिया तो इसका मतलब संख्या कितनी हो गई, 90%। यानी जो 90% की जो वैल्यू है हमारे पास, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 54। उसने यही तो कहा है कि सब संख्या को 10% कम कर दिया तब 54 हुई, इसका मतलब 90% की वैल्यू कितनी है, 54। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 54 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 54 की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 90%। दोनों बातें एक ही तो हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि संख्या को 54 से बढ़ा के कितना कर दिया, 72 कर दिया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो यहाँ से 72 की वैल्यू निकाल लो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90%, 90/54 × 72, ठीक है। तो देखो, 18 × 54, 18 × 72, और 3 से कटेगा 30 बार, और 3 × 12 कितने परसेंट आ गया, 120%। वही जो संख्या होगी अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100% होगी, संख्या कितने परसेंट होगी, 100% होगी, लेकिन 72 करने के बाद कितने परसेंट होगी, 120% होगी। यानी वृद्धि कितने परसेंट की होगी, 20% की वृद्धि हो गई, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 88। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। कहा है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह गई, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। बहुत सिंपल क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, ठीक है ना। दो संख्या मैं पहली दूसरी मान दूं, पहली संख्या दूसरी संख्या। उसने कहा है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, यानी कि इसका 60% सेकेंड संख्या से 60% घटाया जाता है फर्स्ट संख्या का, तो दूसरी संख्या घटकर 52% हो जाती है, ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। उसने कहा है कि अगर दूसरी संख्या में से पहली संख्या का 60% घटाएं तो दूसरी संख्या घटकर 52% हो जाती है, ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, इसको उधर लेकर जाते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे कितना हो जाएगा, सेकेंड ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 52 × 2 upon 100 बराबर 60/100 × 1। 100 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 100 में से 52 - 100 कितना बचेगा, 48 बचेगा, यानी कि 48 सेकेंड/100 बराबर 60/100 × 1। तो देखो, इससे ही कट जाएगा, कट गया, 12 × 48 और 12 × 5 = 60, यानी कि 4 सेकेंड/5 = 1, ठीक है। यानी रेशियो कितना आ गया, देखिए रेशियो आ गया सेकेंड रेशियो फर्स्ट, तो इससे कितना आ गया, 5:4। अब उसने पूछा कैसे रेशियो देखना पड़ेगा, उसने पूछा पहली संख्या और दूसरी का रेशियो, हमारा है दूसरी और पहली का रेशियो, उसने पूछा पहली और दूसरी का, तो पलट दो इसको, यानी पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या बराबर होगा 4:5, यही हमारा आंसर है। अगर वो दूसरी संख्या रेशियो पहली पूछता तो 5:4 आता, उसने पूछा पहली दूसरी 4:5 हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 89 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। अच्छा, ये कहा है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा किया जाए, ठीक है ना, गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है, तो वह संख्या है, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। उसने कहा है कि किसी संख्या में उसके 25% से गुणा करने पर, मान लेते हैं संख्या x, ठीक है ना, और संख्या x का जो 25% होगा वो 25/100 होगा, ठीक है ना। उसने ही तो कहा है कि संख्या के 25% से गुणा करने पर, यानी इसमें अगर इसके 25% से गुणा कर दें, यानी कि x × 25 से गुणा कर दें,
ठीक है ना। और जब इसको देखा गया तो संख्या में 200% की वृद्धि हो गई, यानी संख्या 300/100 हो गई, ठीक है। यानी कि किसी संख्या में उसके 25% से गुणा करने पर संख्या में 200% की वृद्धि हो गई, यानी संख्या 300% हो गई, ठीक है। तो देखो इसको दो जीरो से दो जीरो कट गए, यहाँ ये 25 से कट गया 4 बार, और एक जी एक्स से एक एक्स कट गया, कितना बचा एक्स इंटू 1/4 बराबर कितना आ गया 3, और 4 क्रॉस हो जाकर गया, कितना हो जाएगा 4 × 12, कितना आंसर आ गया 12। उस संख्या पूछी संख्या कितनी आ गई 12। ये था क्वेश्चन नंबर 90। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। उसने कहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार संख्या है। एक संख्या है हमारे पास, हमने इसको दो भागों में बांट दिया, मान लेते हैं ए और बी, दो भागों में बांट दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा है कि पहले भाग का 80%, पहले भाग के 80% का मतलब है कि 4/5, ठीक है। दूसरे भाग के 60%, 60% का मतलब है 3/5, ठीक है। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से कितना ज़्यादा है, 3 अधिक है, कौन ये, इसमें 3 जोड़ दो और ये हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसने कहा है, उसने ये कहा है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, यानी 3 अधिक ये है, अगर इन दोनों को बराबर करना चाहें तो 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 4a/5 माइनस का 3b/5 प्लस बराबर का 3, ये 5 दोनों तरफ मतलब एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और 5 ही उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा 4a माइनस का 3b बराबर 15। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरी कंडीशन क्या दी है, ये दी दूसरी कंडीशन, क्या कहा उसने, उसने ये कहा है कि दूसरे भाग का 80% यानी कि बी का 4/5, ठीक है, पहले भाग के 90% यानी कि इसके 90% मतलब 9/10, ठीक है। अब पढ़ते हैं, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, कौन अधिक है, 6 ये, तो इसमें 6 जोड़ दो, 1 हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे आपस में। उसने यही तो कहा था कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, यदि कौन ये अधिक है ना, 6 इसमें जोड़ दो तो बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेकर जाते हैं तो यहाँ बचेगा 6 और ये हो जाएगा 4b/5 माइनस का 9a/10, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 10, और 10 की जो उधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 बराबर 8b माइनस का 9a, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो क्या करें इसमें, यहाँ पे है 8b और यहाँ पे है 3b और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 9। एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं b है ना, यहाँ करते हैं 8 से गुणा, वहाँ करते हैं 3 से गुणा, इसमें कर देते हैं 8 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 8 × 32a माइनस का 24b बराबर 15 × 120, ठीक है। यहाँ करते हैं 3 से गुणा, कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24b माइनस 9 × 27a बराबर 6 × 18 = 180, ठीक है ना। अब देखो ऊपर नीचे करते हैं इसमें, ये कितना हो गया 24b माइनस 27a बराबर 180, जोड़ने पे अब इसको प्लस करते हैं तो कट गया, ठीक है ना, 24b से 24b कट गया, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5a बराबर, इसमें 32 में से 27 जाएगा 5 बचेगा, और इन दोनों का जब एडिशन होगा कितना बचेगा, यहाँ से 0, 8 और 2, 10, 2 और 1, 3, कितना आ गया 300, और 5 से काटें कितना आएगा 60, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू तो आ गई 60। जब ए की वैल्यू 60 आ गई, अब निकालनी है बी की वैल्यू, क्योंकि उन्होंने संख्या पूछी है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब अगर बी की वैल्यू निकालनी है या तो ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो या ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, पुट करो, यहाँ कितना हो गया 60 बराबर,
एट बी माइनस का नौ छः का चौवन है 540, इसको लेके आ रहा हो इधर, जब 540 में 60 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 600 बराबर 8b, जब 8 से काटेंगे तो 8 सत्तर 56 और 8 पंजे 40 कितना आ गया बी, तो बी कितना हो गया हमारे पास 75, ए है हमारे पास 60 और बी कितना है 75। उसने पूछा कंप्लीट संख्या बताओ, ये दोनों उस संख्या के पार्ट है, तो संख्या कितनी होगी, संख्या तो ए प्लस बी होगी, तो ए प्लस बी कितना हो गया 60 प्लस 75 यानी कि 7 और 13 यानी 135, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 91। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की, क्या है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कितनी वृद्धि हो गई, 32% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक्स प्लस वाई से कर दो, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 92 है कि एक संख्या को पहले बढ़ाया उसने 10%, ठीक है, एक संख्या को पहले कितना बढ़ाया, पहले बढ़ाया 10%, फिर बढ़ाया 20%, ठीक है, तो प्लस 10 गुणा 20 बटे 100, परसेंटेज बाद में लगा देंगे इसमें, परसेंटेज चेंज आता है, ठीक है, कितना हुआ 2 0 2 0 कितना हो गया 20 और 10 30 प्लस 2 कितना हो गया 32%, यानी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, 93 की, 93 क्या है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि संख्या 375 प्राप्त हो। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी करा चुका हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, जब संख्या को 25% कम कर दिया यानी संख्या कितनी हो गई 75%, संख्या कितनी हो गई 75%, यानी 225 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 75% है। उसने पूछा है 225 को अगर हम 375 कर दें, 375 कर देना, हाँ, तो संख्या कितनी होगी, तो निकाल दो 75/225 इंटू 375। अगर हम इसको 75 से काटें तो 3 बार कटेगा, और 3 से उसको काटें तो 3 × 3 = 3 × 6 = 3 × 15 कितना हो गया 125%। जो संख्या 100% थी जब उसको 375 किया तो कितनी हो गई 125% हो गई, यानी वृद्धि कितने परसेंट की हो गई, वृद्धि हो गई 25% की। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो 93 अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, क्या है कि तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। ठीक है, देखो उसने कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तीसरी संख्या से 30%, तब 30% कम होगी तो 70% होगी, और जब 37% कम होगी तो 63% होगी, यानी कि 63 होगी। ठीक है, तो उसने ये पूछा है क्या कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, तो दूसरी पहली से कितनी कम है, 7 कम है, किससे, पहली से 70 × 100, तो 0 से 0 और 7 से 7 कितना हो गया 10%। ठीक है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि जिससे कंपेयर करते हैं उसको बटे में रखते हैं, तो उसने कंपेयर करा था पहली संख्या से, पहली संख्या बटे में आ गई। अब बात करते हैं 95 की, क्या है कि एक संख्या में 75% जोड़ने पर, सॉरी एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर उस संख्या के बराबर प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इस 75 की जो वैल्यू है ना वो 25% के बराबर है, कैसे, देखो उसने कहा है कि संख्या तो अपने आप में 100% होगी नहीं होगी, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि अगर हम 75% तो है संख्या, ठीक है ना, इसका 75% तो है, अगर हम इसमें 75 ही ऐड कर दें तो ये 100% के बराबर हो जाता है, तो ये 75% किसके बराबर हो गया, ये 25% के बराबर ना हो गया भाई, 75% में हमने 75 जोड़ा तब जाकर 100 मिला, तो 75% में 75 जोड़ा तब जाकर 100% मिला, तो 75% में हमने 25 जोड़ा होगा तब जाकर 100% मिला होगा, इसका मतलब जो 25% की जो वैल्यू है हमारे पास वो 75 है। ठीक है ना, उसने पूछा संख्या, संख्या का मतलब 100% यानी कि 400 में करनी पड़ेगी, यानी कि 300, यानी पूछा उसने संख्या यानी कि 100%, तो 75/25 × 100
तो 25 चौका 100 75 चौक 300, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है चलो 95 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्या है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि 230 का 30% प्राप्त हो। ठीक है उसने कहा है कि 320 का 10%, तो 320 का 10% होता है हमारे पास 32। कितना होता है 32? उसने कहा कि 32 में कितना जोड़ें कि 230 की 30%, 230 का जो 30% होता है वो होता है 69। तो इसलिए हम उत्तर कितना होता है 69। उसने कहा कि 32 में यानी 320 के 10% में कितना जोड़ें कि 230 का 30% प्राप्त हो, यानी कि 32 में अगर हम x जोड़ दें तो वो 69 के बराबर हो जाता है। तो x की वैल्यू ही निकालनी है, क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 69 से 32 को माइनस कर दो, 69 से 32 को माइनस कर दो, 69 से 32 को माइनस कर दो, तो करो 69 से 32 को माइनस, कितना हो गया 9 से 2 गया 7 बचा और 6 से 3 गया 3 बचा, यानी x बराबर कितना हो गया 37। 32 में कितना जोड़ दो 37 जोड़ दो, वैसे देखने से लग रहा 37 जुड़ेगा। ठीक है तो चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा था, ये 8 था ना, 97 था शायद, कितना कौन सा क्वेश्चन था ये 96, ये क्वेश्चन नंबर था 96। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। तो 97 क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। ठीक है तदनुसार यदि दोनों विषयों में 70% अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत था। ठीक है तो देखो इसको करते हैं बैंड डायग्राम से, ठीक है ना, दो सब्जेक्ट थे, कौन कौन सब्जेक्ट थे, इंग्लिश और मैथ, कौन से थे, इंग्लिश और मैथ। उसने कहा है फेल, इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है 52% और मैथ में कितने परसेंट फेल है 42%, और इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में कितने परसेंट फेल है 70%। ठीक है तो करते हैं इसको वेन डायग्राम से, ठीक है ना, यह है इंग्लिश वाला गोला, ठीक है ना। उसने कहा है कि दोनों में इंग्लिश प्लस मैथ में कितने परसेंट 17%। ठीक है ये जो है पूरा, अगर मैं इसको इंग्लिश का मानूँ तो इंग्लिश कितना दे रखा है उसने 52%, अगर मैं इसको मैथ का मानूँ तो इधर रखा है 42%। ये जो पूरा सर्कल है कितने परसेंट का है 52% का, ठीक है ना, ये कितना सर्कल कितने परसेंट का है 52% का, 52% 17% दे रहा तो ये कितना हो जाए 35%। ये पूरा सर्कल कितने का है 42% का, और 42% में 17% रह रहा तो ये कितना बचा 25%। ठीक है ये कितना बचा 25%। ठीक है तो कुल मिला के ओनली इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए, ये जो घेरा बचा, ये जो बचा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो बचा, ये बचा हमारे पास ओनली इंग्लिश, यानी सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए 35%, सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए 25%, दोनों में कितने फेल हुए 17%, और कुल मिलाकर कितने फेल हुए तो 35%, 17% और 25% कितना हो गया 60 और 77%, यानी कुल मिलाकर 77% क्या हो गए फेल हो गए। तो 100% में 77% फेल हो गए तो पास कितने परसेंट हो गए, तो 100 से माइनस कर दो ना इसको 77% को, तो कितना परसेंट हो गया, ये हो गए 23%, यानी कुल मिलाकर 23% क्या हो गए पास हो गए, ये हो गए पास। ठीक है चलो आगे चलते हैं, या इसको लगाओ या मत लगाओ इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है चलो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 97, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। बात करते 98 की, उसने कहा कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, और यदि सारे
विद्यार्थियों में से 7% दोनों में फेल हुए, ठीक है ना, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखो, ठीक है, उसने कहा है कि फेल पूछा उसने, यहाँ तो 19% सब्जेक्ट क्या है, मैथ, और ये 10% सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, फेल, और दोनों में कितने परसेंट हुए, 7%। तो देखो, ये पूरा घेरा कितने परसेंट का था, 19% का, 7% ये रहे, तो ये कितना बचा, 12%। ये पूरा कितने का था, पूरा सर्कल ये 10% का, 7% ये कितना बचा, 3%, ठीक है, कितना हो गया, 12, 7, 19 और 3, 22, 12, 7, 19 और 3, 22, यानी 12, 7 और 3 कितना हो गया, 22%, ठीक है ना, और 22% क्या हो गए, फेल। तो पास कितने परसेंट हो गए, 78%, ठीक है ना, 100% से जब माइनस करोगे 22% को, भाई स्टूडेंट क्या होंगे, 100% होंगे, 100% में जब 22% फेल हो गए तो पास कितने परसेंट हो गए, तो 100 से 22 माइनस कर दो कितने परसेंट हो गए, 78%, ये आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे पूछे कि सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए, तो 12, और सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो 3%, ठीक है ना, 3%। क्वेश्चन नंबर 98, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। 99 है क्या कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और दोनों और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, इसका कोई मतलब है नहीं फिर बोलने का, ठीक है ना, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो, कुल मिलाकर जो स्टूडेंट होने चाहिए क्लास में वो 100% होने चाहिए, ठीक है ना, कितने होने चाहिए, 100% होने चाहिए। उसने कहा है कि 90% क्या हुआ, इंग्लिश में पास हो गए, और 85% क्या हुआ कि मैथ में पास हो गए, ठीक है ना, और ये होने कितने परसेंट चाहिए थे, 5 और 9, 8, 17 होना चाहिए, तो 100% हो कितने गए, 75%, यानी कि 75 इसमें ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए, जो मैथ में भी पास हुए, नहीं दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है ना, होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 100%, वही क्लास में विद्यार्थी 100% ही तो होंगे, ठीक है, होना चाहिए तो 100%, हो कितना गया, 175%, इसका मतलब 75% ऐसे हैं जो दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, और दोनों में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या उसने दे रखी है कितनी, 150, तो 75% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 150, और उसने पूछा क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 100% होगी, 150/75 × 100, 75 से घटेगा 2 बार, कितना हो गया हमारे पास, 200, यानी कि उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे, 200 विद्यार्थी थे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 99। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास हुए, ठीक है, और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। जब हम वेन डायग्राम लगाएंगे तो या तो पास पास में लगेगा या फेल फेल में लगेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे एक तो पास ले लिया दूसरा फेल ले लिया, ठीक है ना, या तो पास पास वाले लेंगे सारा या फिर फेल फेल वाले लेंगे, ठीक है ना। उसने कहा कि परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% पास होते हैं और दोनों में 10% फेल होते हैं, ठीक है ना, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, ठीक है, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, एक परीक्षा में 70% इंग्लिश में और 80% मैथ में, ठीक है, क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं कराता हूँ उसको, दोनों जो दे रखा है, 144 दे रखा है, 144 दे रखा है, वो दे रखा है ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ और इंग्लिश प्लस मैथ, ठीक है, वो इस तरह से दे रखा है। अगर हम बात करें इसकी वेन डायग्राम की, उसने क्या बात करा, उसने कहा है कि इंग्लिश मैथ, उसने क्या रखा है कि 10% क्या हुए, फेल हुए, ठीक है, अगर हम यहाँ 10% ले रहे हैं तो यहाँ भी फेल लेना पड़ेगा, यहाँ भी फेल लेना पड़ेगा, क्यों, 10% क्या फेल हुए, ठीक है। तो देखो उसने कहा 30% मैथ में पास हुए, इसका 70% पास हुए, इसका मतलब 30% फेल हुए, ठीक है, इंग्लिश में, और मैथ में अगर 80% पास हुए, इसका मतलब 20% फेल हुए, ठीक है। देखो ये पूरा घेरा कितने का था,
कितने का था? 30 का, 10 ये, तो कितना बचा? 20। ये पूरा घेरा कितने का था? 20 का, ठीक है। 10 ये कितना बचा? 10, तो कितना हो गया? 20, 10, 30, 10, 40। यानी 40% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। तो बचे कितने परसेंट? 60% ऐसे होंगे जो या तो इंग्लिश में पास होंगे या मैथ में पास होंगे या फिर दोनों में पास होंगे। और जो कितने दे रखे हैं उसने? वो दे रखे हैं 144। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा हमसे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी 100% पूछा हमने उससे। उसने हमसे कितना हो गया? 144/60 × 100 कितना हो गया? 20 + 60 = 20, 25 = 100 काटो, 3 × 12 और 3 × 8 3 × 12 कितना बचा? यहाँ से 2 + 3 = 24 ठीक है ना। गुणा करो, 5 × 8 = 40 यहाँ से कितना लगा? 4 और 5 × 20 = 24 कितना हो गया? 240। यानी कि उस विद्यालय में जो स्टूडेंट थे वो कितने थे? 240, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना।